माते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, पर मैं जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बना, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है, इससे उसके शब रोज़ आसानी से बीतते, वो दुनिया की पगडंडियों से आसानी से गुजर के अल्लाह की बारगाह आली मरतबत में सरखरू होकर हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर बेहौसला हो, सब्र ना हो, फिर नुकसान रोज़ बरोज़ बढ़ता है। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला ना किसी बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है, लेकिन उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। अब रब क्या करता है, अल्लाह ताला उसको माल की, जान की, औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता है। उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हो, वो अमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था, तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था, जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था, जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था, उसके लिए कितनी आसानी हो गई कि मुजाहिदा तो ज्यादा ना कर सका, कसरत से नफली सौमों सलात का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का गुर बता फरमा दिया। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। ये सब्र तो वो वाला सफर है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है, पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है।